हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, यार क्या तुम बंगाली में बात कर रहे हो, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। तो उन्हीं के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ मगर कुछ अलग तरीके से। तो अलग तरीके से मतलब इससे पहले मैंने अपना ज्वेलरी दिखाया था, मतलब शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो अभी मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरी कुछ नेल पॉलिश की कलेक्शन है और लिपस्टिक की। वैसे तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ वही सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप सब मेरे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए बुलबुल लाइफस्टाइल। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, यार क्या तुम बंगाली में बात कर रहे हो, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। तो उन्हीं के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ मगर कुछ अलग तरीके से। तो अलग तरीके से मतलब इससे पहले मैंने अपना ज्वेलरी दिखाया था, मतलब शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो अभी मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरी कुछ नेल पॉलिश की कलेक्शन है और लिपस्टिक की। वैसे तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ वही सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप सब मेरे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए बुलबुल लाइफस्टाइल। तो गाइस, पहले हम नेल पॉलिश मतलब नेल कलर से उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नेल पॉलिश दिखा रहे हैं, ये रहा येलो, देखो देख येलो, ये रहा दूसरा येलो, ये लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क है, लाइट और डार्क। देखिए ये रहा दो, फिर आ गया ये अलग, कुछ अलग टाइप का पिंक है जो मुझे इसका कलर। हाँ तो गाइस, ये कलर जो है ये पिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिंक, लेकिन ये अलग टाइप का एक क्रीमी पिंक होता है ना, क्रीमी पिंक टाइप का कलर है जो एक क्रीम ऑरेंज और पिंक मिला के कुछ इस टाइप का कलर आ रहा है, लेकिन बहुत क्यूट और बहुत सुंदर और बहुत स्टैंडर्ड कलर है ये। ये रहा, उसके बाद मैं आ रही हूँ एकदम ही लाइट है ये कलर, आपका आ जाएगा वो वाइट क्रीम टाइप का, हमारे जो हम लोग खाते हैं ना मक्खन बटर, उस टाइप का कलर है ये। बहुत खूबसूरत कलर है, लगाने से ना हाथ में अच्छा लगता है, मतलब गोरा हो या काला हो मतलब ये कलर जचता है, सुंदर लगता है दिखने में। देखिए, और ये जो कलर है देख रहे हैं आप, ये कुछ अलग टाइप का येलो है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता ये कलर, मैंने मतलब इसे खरीद के सोच रही कि बेकार खरीद ली, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे ही पड़ा है, एक ही बार यूज़ की थी मेरा कलर। और हम मुस्लिम में तो आप लोग बहुत सारे मतलब जानते होंगे सब, नेल पॉलिश लगाने से वजू नहीं बनता हमारा, तो अभी तो फ़िलहाल मैं नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, तो लगा रही हूँ, जब नमाज पढ़ूँगी इंशाल्लाह तो फिर ये तो नहीं चलेगा क्योंकि वजू नहीं बनेगा इससे। तो फिर ये आ गया पर्पल, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो पर्पल दिख ही नहीं रहा है, तो ये पर्पल कलर है एकदम ही पर्पल। ये मेरा दुपट्टा जो मैं ओढ़ी हूँ ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है, तो पर्पल कलर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये पर्पल कलर है जो मेरा एक फेवरेट कलर है।
पर्पल कलर बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। पर्पल पर्पल हर किसी के मतलब ज़ुबान से सुनाई देता है कि वो उसे पर्पल बहुत पसंद है। तो ये रहा पर्पल कलर। उसके बाद आ गया इसे तो हम ब्लू ही कहेंगे, स्काई कलर। लेकिन ये स्काई प्योर मतलब स्काई में ही लगता है, अलग टाइप का। अभी ये कलर बहुत निकला है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ मेल में ये कलर लगा रहे हैं। और मैं जो ब्लॉग देखती हूँ दीदी और मेरी छोटे सिस्टर लोगों की, वो लोग को भी देखती हूँ यही कलर लगाते हैं बहुत। तो जो सिस्टर जिसके मैं ब्लॉग देखती हूँ ज़्यादातर ये कलर यूज़ करते हैं। जो मेरे ब्लॉग देखेंगे उसे पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये रहा बहुत क्यूट कलर है। उसके बाद आ गया ये कलर, ये डार्क ग्रीन है जो मेरा फेवरेट कलर है। मेरी बेटी को मैंने बोला था क्या मुझे थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा दो, तो वो इस तरह से लगाई ना, पूरा फैला के रख दी है, लेकिन पूरा भरा हुआ है इसमें है। और ये अच्छा है, पता नहीं ढक्कन ठीक से नहीं लगाने से तो सूख जाता है। तो ये रहा डार्क ग्रीन। उसके बाद आ गया रेड। एक रेड रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी आपके ड्रेस वगैरह से मैचिंग करना चाहिए। तो हमेशा मैं एक रेड अपने पास रखती हूँ, अगर ये सूख जाता है मतलब एकदम ड्राई हो जाता है तो उसके बाद मैं दोबारा एक ख़रीदने की कोशिश करती हूँ। एक रेड मेरे पास हमेशा रहता है, बहुत क्यूट रेड है, एकदम क्या बोलूँ लाइट टाइप का रेड है, ये एकदम डार्क नहीं है, मैरून टाइप का नहीं है, रेड है, एकदम टोटली रेड है। उसके बाद देखिए आई शेडो वगैरह तो मैं नहीं करती हूँ, अगर करना भी पड़ता है तो है मेरे पास जिसे मैं यूज़ करती हूँ। ये रहा एक, बस यही है। ये रहा इसे यूज़ कर लेती हूँ, मैंने एक ही बार किया था, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपना जो लिपस्टिक कलेक्शन है। लिपस्टिक मेरे पास तो ये रानी कलर मेरा फेवरेट कलर है, जो हर किसी को अपने लिप्स पे लगाने से जचता है, सुंदर लगता है। तो सबसे पहले मैं रानी कलर दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर है। उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको ये पिंक, ये पिंक है, टोटली पिंक है, डार्क पिंक। तो लाइट कलर के लिपस्टिक मैं नहीं लगाती हूँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो डार्क पिंक है ये। उसके बाद आ गया मेरे पास ऑरेंज। ऑरेंज अभी फ़िलहाल ऑरेंज कलर इतना नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले बहुत चल रहा था, आप लोगों को पता ही है। ऑरेंज कलर का लिपस्टिक जो मेरे पास लगा लगा के ख़त्म हो गया था, फिर मैंने ये दोबारा लिया, ये भी ख़त्म होने वाला है। ये रहा ऑरेंज कलर। तो ये लिपस्टिक जो है क्या बोलूँ, ये इसी टाइप का लिपस्टिक मुझे अच्छा लगता है जिसे मैट लिपस्टिक बोला जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये रहा रेड। रेड तो चाहिए भाई, रेड नहीं होने से लिपस्टिक का क्या मतलब अपमान होता है। रेड चाहिए ही। ये रहा रेड, रेड हो गया। उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास एक क्लिप लाइनर जो मैं हमेशा रखती हूँ, जो थोड़ा सा कुछ मतलब फैल जाने से उसे ठीक करने में बहुत काम देता है ये चीज़। तो रह गया और मैं एक दिखा रही हूँ, ये रहा मैरून। और गाइस ये रहा जो आप लोगों के पास होगा शायद, बहुत लोगों के पास आईलैश कर्ली करते हैं इसे, जो मैंने कभी नहीं किया है, ये मेरा बेटी का है,
यहाँ पे था तो मैं आप लोगों को दिखा दी। जो नहीं करती हूँ भाई वो नहीं करती हूँ, उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने अगर कमेंट कर दिया कि करके दिखाओ तो मुझसे तो नहीं होगा ना, मैं कैसे करूँ। नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरे बेटी का है। ओके, ये रहा। और रहा नेल्स, और नेल्स का तो देख सकते हो आप, मेरे पास अभी फ़िलहाल नेल्स नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा रहने से नेल्स रखनी बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बात भी है। और देखिए हम तो हाउस वाइफ है ना, तो हमें तो सारा काम करना पड़ता है, तो सारा काम करना पड़ता है। काम तो छोड़िए, वो तो वो सब हो भी जाता है नेल्स रखने से, लेकिन बच्चे को जो खरोच आ जाता है, मतलब बच्चा है ऐसे करता है ऐसे करता है ऐसे करता है, तो मैं रिक्स लेना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए फ़िलहाल मेरे पास नेल्स नहीं है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं रखती थी, हाँ मेरे पास पहले था इतना बड़ा बड़ा। मैं आपके फ़ोटो भी दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। मेरे पास दो फ़ोटो है जिसमें नेल्स साफ साफ दिख रहा है, तो मैं नेल्स ये रखती थी, अभी फ़िलहाल नहीं रख रही हूँ। जब मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर मैं अपना नेल्स रखना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं नमाज स्टार्ट करती हूँ तो मैं नेल पॉलिश अगर नहीं भी लगाती हूँ तो मेहंदी लगा के नेल्स को कलरिंग रखने में मुझे बहुत मज़ा। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसे करके मैं उंगली में अपना ऐसे उंगली में मेहंदी लगाती हूँ, और नेल्स बड़ा बड़ा होता है उसमें भी बहुत खूबसूरती आता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, हाँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ना मैं मेहंदी लगा पा रही हूँ, मेहंदी लगा के मतलब उसको टाइम देना पड़ेगा ना सूखने के लिए, वो भी टाइम मेरे पास नहीं है, मतलब नहीं होता, तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है ये सब। आगे चल के करने की कोशिश करूँगी। तो और लिपस्टिक के बारे बोलना चाहती हूँ कि कहीं जाने से मैं अपने फेस पे जो क्रीम लगाती हूँ, तो मैं मेरे पास वो है ना बीबी क्रीम, फेयर लवली बीबी क्रीम, मैं वही क्रीम लगाती हूँ, वही क्रीम लगा अपना चेहरे को धो के वही क्रीम लगा के फिर तो अपने चेहरे को धो के वो बीबी क्रीम लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, वो बीबी क्रीम लगाने के बाद लिपस्टिक लगा लेती हूँ, बस यहीं तक मेरा मेकअप रहता है और मैं कुछ नहीं करती हूँ, माशाल्लाह यहीं अच्छा लगता है। सब बोलते हैं बड़ा अच्छा लग रही हो, बड़ा अच्छा लग रही हो, अब पता नहीं यार अच्छा लग रही हो या नहीं लग रही हो, लेकिन सब तारीफ़ करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, तारीफ़ सुनने में किसको नहीं अच्छा लगता, सबको ही अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। पता नहीं ये वीडियो कैसा रहा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो में लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सब अच्छे रहो और स्वस्थ रहो, और मेरे चैनल को रोज़ ज़रा सी टाइम निकल कर विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ओके, बाय, खुदा हाफिज़।